हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको फिर से लेके आ गया हूं बुलेट ट्रेन का लेटेस्ट अपडेट दिखाने के लिए। इससे जो मैंने अगला अपडेट दिया था वो पार रिवर से और पाथरी ब्रिज तक का दिया था, और आज मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं पाथरी रिवर से 1 किलोमीटर आगे से, और मैं आपको ये पूरा अपडेट दिखाने वाला हूँ। NH 48 को क्रॉसिंग करता हुआ इसका ब्रिज बनाया जा रहा है, कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, वो सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली जो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई थी वो मैंने इस साइड में वीडियो बना के दिखाई थी, इसी साइड में पार रिवर, और आज मैं आपको लेके चलूँगा इसी वीडियो में आगे की साइड में, जहाँ पे NH 48 को क्रॉसिंग करता हुआ इसका ब्रिज का काम किया जा रहा है। दोस्तों, देखेंगे वहाँ पर कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, और ये पूरा का पूरा लॉन्ग अलाइनमेंट यानी वलसाड से आगे सूरत तक का जो काम है बहुत ही तेज़ी से दोस्तों काम चालू किया जा रहा है इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा सीमेंट वगैरह रख के कंप्लीट कर दिया गया है। काम जो बाकी है नॉच बैरियर का काम है, ऊपर जो रेलिंग वगैरह लगाएंगे दोस्तों उसका काम बाकी है, और ट्रैक स्लिप का काम बाकी है, जो कि पटरी बिछाने का काम सूरत से और बिल्ली मोरा के बीच में दोस्तों किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहला जो ट्रायल रन होगा वो दो सिटी के बीच में होने वाला है, सूरत से बिल्ली मोरा के बीच में। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं सामने आगे का पूरा काम कम्प्लीट जैसा हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आगे है NH 48 हाईवे, उसको क्रॉसिंग करता हुआ इसका ब्रिज का नज़ारा देखेंगे कितना काम हुआ है, कितना बाकी है। चलते हैं आगे की साइड में। दोस्तों, बुलेट ट्रेन हमारे भारत में जो चलाई जा रही है वो अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से, और लास्ट इसका स्टेशन रहेगा BKC यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई में इसका लास्ट स्टॉपेज बनाया जा रहा है दोस्तों। और ये 508 किलोमीटर के लॉन्ग अलाइनमेंट में टोटल 12 स्टेशन आने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में इसके स्टेशनों के बारे में बताया है दोस्तों। और ये बहुत ही जल्दी 2027 में इसको लगभग बनके जैसा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और इसका काम जो बाकी रह गया है दोस्तों, मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र सेक्शन का जो काम है वो बाकी रह गया है। वहाँ पे क्या है, जगह की प्रॉब्लम की वजह से वो काम लेट हुआ है दोस्तों। गुजरात में इसका लगभग 70% पूरा काम कंप्लीट जैसा हो चुका है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। जैसे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उन पर ब्रिज वगैरह बन के कम्प्लीट हो चुके, जैसे मैंने पिछले अपडेट में आपको दिखाया था जो पार रिवर का जो मैंने आपको अपडेट दिखाया था, वो सबसे पहला जो ब्रिज बन के कम्प्लीट हुआ था दोस्तों उसी नदी पर हुआ था। 360 मीटर लंबा ब्रिज था, वो बन के कंप्लीट हुआ था, और देख सकते हैं आपका नज़ारा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फिलहाल जुजुबा विलेज के पास। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ जुजुबा विलेज, और स्टेट मैंने आपको जैसे बताया NH 48 तक हम आपको पूरा कवरेज दिखाने वाले हैं। लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक का ये अपडेट होने वाला है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर ये अलाइनमेंट रेडी है। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर रास्ता इन्होंने अच्छे से मेंटेन कर दिया गया है, क्योंकि आने वाले समय में अभी जब ये बुलेट ट्रेन का ट्रैक का काम चलेगा ना, तो यहाँ पर क्या रास्ता इनको पक्का मिल जाएगा, तो इनकी गाड़ियाँ वगैरह आराम से चल जाएंगी। और बारिश के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मुसीबतें झेली हैं, क्योंकि गाड़ियों का निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ था। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा रास्ता अच्छे से बना के रेडी कर दिया गया है, और यहाँ पर जो मशीनें वगैरह अभी काम यहाँ पर कर रही हैं, क्योंकि जो सामान वगैरह उनको ऊपर पहुँचाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों किस प्रकार से सामान को ऊपर की तरफ लोड किया जा रहा है इस वक्त भी। और ये पूरा का पूरा जो काम कर रही है ये LNT कंस्ट्रक्शन के अंडर में पूरा का पूरा ये काम किया जा रहा है दोस्तों अभी। पिछली बार जब आए थे ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोड ख़राब था, यहाँ पे हम लोग लास्ट अपडेट हमने इस जगह तक का ही दिया था, और यहाँ पर क्या बारिश हुई थी ना इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो अभी देख सकते हैं इस रोड को भी नया बनाया जा रहा है, इसके ऊपर अभी मिट्टी का लेयर बना के रेडी कर दिया गया है, इसके ऊपर फिर कॉन्क्रीट वाला इसको तैयार कर दिया जाएगा बना के दोस्तों।
और यहाँ पर पेड़ की जो है हाइट भी अच्छी खासी लगी है, क्योंकि इसके आगे फिर जो है रिवर आने वाली है, रिवर की वजह से यहाँ पर हाइट अच्छी खासी ली गई है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों 40 से 42 मिनट तक की इसकी हाइट ली गई है, ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों। सो गाइस इस वक्त हम पहुंच चुके हैं औरंगा रिवर के पास, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आपको अलाइनमेंट रेडी देखने को मिल पा रहा होगा। और यहाँ पर हम पहुँचे फिर से चार साढ़े चार महीने के बाद, जैसे अपना माँ आपको लास्ट अपडेट हमने इस जगह का दिया था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना इस जगह पर रेडी था। तो अभी हम आपको ड्रोन शॉट्स दिखाने वाले, ताकि ऊपर ऊपर कैसा काम चल रहा है वो आपको देखने को मिल सके। तो यहाँ पर अभी जो रास्ते का काम चल रहा है, जो कि यहाँ पर रास्ता गाड़ियों को बराबर यहाँ पर चला जा सके दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर इस तरफ औरंगा रिवर है, लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पे है औरंगा रिवर। और अभी हम जाएंगे लास्ट NH-48 के पास, जो क्रॉसिंग कर रहा है बलसाड़ के पास, उस जगह का लोकेशन आपको दिखाएंगे, इस तरफ जाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे जो काम पेंडिंग छोड़ा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे लॉन्चिंग का काम नहीं हुआ, और आगे से लॉन्चिंग होता हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैवी वर्क होने वाला है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे सामने NH-48 को क्रॉसिंग करते हुए बुलेट ट्रेन का काम काफ़ी जोरों शोरों में किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो ब्रिज बनाया जाएगा, कैंटी लेवल ब्रिज बनाया जाएगा, जो कि पूरी तरह से सीमेंट का होने वाला है दोस्तों। और एक खास बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये बिना ट्रैफिक को रोके हुए 24 घंटे वर्क करने के बाद ये ब्रिज पूरा कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक को रोकने की समस्या, ट्रैफिक रुकेगा तो बहुत ज़्यादा समस्या आएगी, इसके लिए इसको बिना रोके इसका काम किया जाएगा दोस्तों। सामने आप देख सकते हैं, यही सीधा जाता है मुंबई की ओर, और इस साइड में जाता है सीधा सूरत अहमदाबाद की ओर दोस्तों। और ये NH-48 हाईवे है, जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था, जो NH-53 के ऊपर स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया था, उसी तरह से इस पर स्टील ब्रिज का नहीं, कैंटी लेवल ब्रिज यानी सिगमेंट ब्रिज का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ NH-48 के पास, जहाँ पे बुलेट ट्रेन का क्रॉसिंग करता हुआ ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों। और ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है, कैंटी लेवल ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि NH-48 को क्रॉसिंग करते हुए सिगमेंट का ब्रिज बनाया जाएगा दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको इस पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था NH-53 को क्रॉसिंग करता हुआ स्टील ब्रिज का जो काम था, उसका भी मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया दोस्तों। और ये वीडियो मैंने आपको बिना रुके जो अपडेट दे रहा हूँ दोस्तों, वीडियो एकदम लेटेस्ट है दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करना। तो फ्रेंड जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया बुलेट ट्रेन का लेटेस्ट अपडेट दिखाया, NH-48 क्रॉसिंग करता हुआ जो इसका ब्रिज बनाया जा रहा है, उसका मैंने आपको पूरा ड्रोन शॉट वीडियो बना के दिखाया दोस्तों। तो ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। मिलते जल्दी एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, आज के लिए इतना ही।